कहानी का क्लोजर नहीं है, हर एक कहानी की हैप्पी एंडिंग भी नहीं होती। हर हीरो सुपरमैन भी नहीं होता, वो भी हीरो है जो सुबह जद्दोजहद करके ऑफिस पहुंच के काम करके घर जाता है। हीरो दरअसल हम सब में है, हम सब अपनी अपनी कहानी के हीरो हैं। बड़े पर्दे पर हर एक कहानी का बिगनिंग और दी एंड होता है, लेकिन आम जिंदगी में हम रोज नई सुबह के साथ एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं और रोज अपनी कहानी के हीरो हम सब। जरूरी नहीं है कि हीरो हर जंग जीते, बस कोशिश करना ही काफी है। हर एक एवेंजर को चमकने के लिए किसी थैनोस या विलेन की जरूरत नहीं, वो खुद में ही एक स्टार है। इस बदलते वक्त के साथ जो चलता रहे, अपनी कोशिशें करता रहे, सिचुएशन से हार न माने, वही है ना चैंपियन। जब शरीर साथ छोड़ने की बात कहे तो उम्मीद का, आत्मविश्वास का साथ थाम लो। बड़ी बीमारी भी रास्ता न रोक सकेगी, मौत भी हरा न सकेगी। यह है बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट कहानी जिंदगी की। सीजन 2 में कहानी है, जिंदगी है और जिंदगी को जीने की जिद भी। इस बार कहानी है रवि प्रकाश की। रवि प्रकाश बीबीसी के जर्नलिस्ट हैं, रांची में रहते हैं। कुछ समय पहले इन्हें पता लगा था इन्हें टर्मिनल लंग कैंसर है, यानी ये कैंसर जो ठीक नहीं हो सकता। इन्हें कहा गया इनके पास जीने के लिए शायद 18 ही महीने हों। अब 2 साल बीत गए हैं। कैंसर, मौत और जिंदगी, इस सफर पर रवि कैसे चल रहे हैं, यही जानेंगे हम उनसे। और उम्मीद है कि इस राह में जितने लाइफ नोट्स बनेंगे वो हम सब के लिए अंधेरे में जुगनुओं की तरह होंगे, टिमटिमाते, रोशनी फैलाते। आप भी शामिल हों इस सफर में, क्या पता ये कहानी आपको आपकी जैसी भी लगे। इस सफर में आपके साथ मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। रवि, आपके हिसाब से आपकी लाइफ के हीरो कौन है? देखिए, हीरो तो हम सब लोग हैं। हीरो हर वो इंसान है जो कोशिश कर रहा है। हीरो की डिफिनेशन जो हमने बनाई है ना, वो है विलन से लड़ाई करके जीतने की। वो बॉलीवुड के बड़े पर्दे के लिए तो सही है, लेकिन रियल लाइफ हीरो को जो है ना, वो हर जंग जीतना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। एक कोशिश किसी भी आदमी को हीरो बना सकती है। और मेरे हिसाब से मेरी स्टोरी के बहुत सारे हीरो हैं जिन्होंने मेरी मदद की, जाने लोग, अनजाने लोग, दोस्त। और मैं भी खुद का हीरो हूँ कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि अपनी कहानी का हीरो मैं भी हूँ। अब देखिए ना, आपको भी ब्लड कैंसर है, आपने जो लड़ाई लड़ी, अपने डिजीज का ट्रीटमेंट कराया, तो क्या आप में हीरो नहीं है? आप में भी हीरो है। हम सबकी कोशिशें, हमारा जज्बा हमें हीरो बनाता है। और हीरो को खोजने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हीरो हमारे में है और हमें उसे तलाशने की ज़रूरत है। जहाँ तक मेरी बात है, मेरे कैंसर की बात है, यह इसकी बहुत आशंका है। जो हमारे पास डेटा थे उसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि मेरी कहानी की एंडिंग हैप्पी नहीं हो। लेकिन इसमें इतने सारे हीरो हैं, इतने सारे किरदार हैं और इतने अच्छे तरीके से सभी किरदारों ने अपनी भूमिका अदा की है कि यह फिल्म तो सुपरहिट हो चुकी है, सुपरहिट हो जाएगी। जब मैं हीरोइज़म की बात करता हूँ, जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, तो एक नाम हरिवंश जी का भी मेरे सामने आता है, जो कभी हमारे बॉस थे, प्रभात खबर के प्रधान संपादक थे और मैं रेजिडेंट एडिटर था प्रभात खबर का। और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा पत्रकारिता में उनसे। हरिवंश जी उन कुछ लोगों में शामिल थे जिन लोगों ने पहले दिन मुझे फ़ोन किया, पहली रात उनमें मुझे आर्थिक मदद पहुँचाई। और न केवल आर्थिक मदद की, बल्कि अस्पताल में बात करना और बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका अरेंजमेंट करना। पंकज त्रिपाठी का जिक्र करना बहुत वाजिब है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक होता है ना कि सहायता करना हो, सिर्फ सहायता करने की बात नहीं होती है। पंकज त्रिपाठी ने मुझे फ़ोन करके ये कहा कि रवि भाई, आपका अकाउंट नंबर मेरे अकाउंट नंबर से वो जुड़ा हुआ नहीं था, तो हम इतने ही पैसे भेज पा रहे हैं फिलहाल। हम जैसे ही जुड़ जाएगा, 24 घंटे में जुड़ जाता है, बैंक ने कहा है, तो मैं कुछ और पैसे ट्रांसफ़र करूँगा। पंकज त्रिपाठी ने अपनी व्यस्तता के बावजूद लगातार वो फ़ोन करते रहे मुझे,
अविनाश जी, देखिए अविनाश दास मेरे लिए अविनाश जी हैं। हम दोनों ने लगभग साथ पत्रकारिता की, वो मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझसे पहले पत्रकारिता शुरू की और मेरे पत्रकारिता में मेरा करियर जो थोड़ा बढ़ा उसके एक माध्यम अविनाश दास रहे हैं। कैंसर जब हुआ मुझे और जब यह बात लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखनी शुरू की तो रवीश जी ने, मुझे याद है अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो 10 फरवरी वो तारीख थी जब उन्होंने फेसबुक पे लिखा और अपने इंस्टाग्राम पे लिखा मेरे बारे में कि रवि प्रकाश को कैंसर हो गया है, तो हम लोग उनके लिए सभी दयावानों से अपील करते हैं कि वो इन्हें जो भी पैसा भेज सकते हैं वो भेजें। उसके बाद भी लगातार व्हाट्सएप पे उनके मैसेज आते रहे तो मेरे लिए वो परमानेंट हीरो हैं। रवीश कुमार और मैं दोनों सौभाग्य से एक ही जिले के हैं, पूर्वी चंपारण के, ये सबके सब हीरो हैं। मेरी वाइफ संगीता और मेरा बेटा प्रतीक, ये लोग लगातार साथ खड़े रहे, साथ खड़े हैं। अहम वो होता है जो हर कदम जो आप चल रहे हैं आपके कदम से कदम मिलाकर चलना, आपके दर्द में शामिल होना, और ये काम मेरी पत्नी और मेरे बेटे ने किया है, ये भी मेरे माँ बाप नहीं कर पाए, मेरे रिश्तेदार नहीं कर पाए, लेकिन ये इन दोनों ने किया। तो मेरी लाइफ की ये सबसे बड़े हीरो हैं। और वो तमाम लोग जो जिन लोगों ने मेरी किसी भी तरीके से मदद की या मेरे लिए दुआएं की, जो राजेश खन्ना की फिल्म लोग मुझे कई बार सजेस्ट करते हैं कि आनंद आपको देखना चाहिए, मैंने देखी आनंद, मुझे कई बार ड्रामेटिक लगा, कैंसर मरीज वैसा नहीं करता है। राजेश खन्ना के देश का जो सीन दिखाया गया ना, वो उस तरीके से देश नहीं होती कैंसर मरीज की। वो अपने दोस्त की शादी कराना चाहता है मरने के पहले, उसको पता है कि ही विल डाई, तो मरने के पहले उसके जो दायित्व हैं उनको वो पूरा करना चाहता है। एक मैसेज तो यही देगी वो फिल्म, एक मैसेज ये देगी कि मरने को सेलिब्रेट किया जा सकता है, उसका प्लान किया जा सकता है। तो ड्रामेटिक होने के बावजूद उस मूवी ने कई सारे संदेश दिए। रवि, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी लाइफ में कभी आपको ऐसे लगा हो कि कैंसर एक विलन है? क्या आपको ऐसा कभी लग सकता है कि कहीं ना कहीं कैंसर एक दुश्मन की तरह है? कैंसर मेरी नज़र में विलेन नहीं है, कैंसर बीमारी है जो आपको डैमेज करती है। विलेन हमारा सिस्टम है, विलेन हमारी सोसाइटी है, विलेन हमारे विल पावर का कमज़ोर होना है। तो मैं जो समय से पहले मरूंगा इसका जिम्मेवार कौन है? क्या कैंसर है? कैंसर सिर्फ एक माध्यम है, एक बीमारी है जिसका इलाज मेडिकल साइंस अभी ढूंढ नहीं पाया है उसको पूरी तरह से क्योर करने का। सिस्टम के पास सपोर्ट का मैकेनिज्म नहीं है, पेशेंट वॉयस नहीं है। आप 10 लोगों की कमेटी बनाते हैं ना अगर कैंसर पे बात करने के लिए, तो 5 लोग होने चाहिए, आधे उसमें होने चाहिए मरीज। मरीजों से संवाद करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। ये सुमनप्रीत कौर बताएंगे जिनको ब्लड कैंसर है कि क्या है, क्या दिक्कतें होती हैं। कई बार मेरी आवाज़ ख़राब हो जाती है, मैं जब बात करता हूँ मेरे मुँह में बार बार थूक आता है, पानी आ जाता है, आफ्टर कैंसर हो रहा है ये, तो ये कौन बताएगा? ये तो मैं ही बताऊंगा ना कि मुझे क्या कष्ट है। और ये बात चिल्ला के नहीं कही जाएगी तो कैसे कही जाएगी? मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ में थोड़ी लाउड हो रही है, लेकिन अगर हम लाउड होकर ना कहें इस बात को, चिल्ला कर नहीं कहें, तो कैसे कहें? क्योंकि आप सुनते ही नहीं है ना, आपके पास योजनाएं उस तरीके की नहीं है। तो योजनाएं भी जो है ना वो प्रिविलेज्ड लोगों के लिए हैं। आप क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं कराते, कितने क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं भारत में, पार्लियामेंट में कितनी पैसे होते हैं हेल्थ पर। मैं लंग कैंसर का मरीज हूँ, स्टेज 4 का, मेरे लिए एक दवा है तो 3 महीने के टैबलेट की कीमत 5 लाख रुपए है। कितने लोग 3 महीने में 5 लाख रुपए की दवा खाने की हैसियत रखते हैं? मैं तो नहीं रखता हूँ, इसलिए मुझे एक दूसरी दवा खानी पड़ी और मैं खा के रह रहा हूँ उसी दवा के साथ। वहाँ 5 लाख रुपये 10 लाख रुपये की दवा को अप्रूव करेंगे तो आप विलेन नहीं है तो कौन है विलेन? सब हर आदमी इंश्योर्ड है हेल्थ वाइज, कई देशों में है, हमारे देश में नहीं है। मेरा तो सवाल है कि मैं अपनी उम्र जो है, जो भारत की उम्र है जिंदा रहने की, उससे पहले मरने वाला हूँ ये डेटा कहता है, तो मेरी मौत जो होगी उसका जिम्मेवार कौन है? 23 लाख से ज़्यादा लोग मरे हैं पिछले 3 साल में सिर्फ कैंसर से, इनको मरने से बचा सकते हैं आप। हम तो दूसरे लोगों के लिए चिल्ला रहे हैं, खाने पे बात नहीं होगी अगर सोसाइटी में, भूख से मरने वाले लोगों पर बात नहीं होगी, कैंसर और दूसरी बीमारियों से मरने वाले लोगों पर बात नहीं होगी, सपोर्ट मैकेनिज्म नहीं होगा लोगों के पास, तो क्या कहेंगे ऐसे सोसाइटी को? 140 करोड़ लोगों का देश है, एक रुपया लगा देगा 140 करोड़ रुपए हो जाएंगे, कम बड़ी रकम होती है क्या? किसी छोटे से देश की जितनी आमदनी होगी ना साल भर की, उससे ज़्यादा रकम होगी।
तो हमारी सोसाइटी को भी सोचना चाहिए इस पर, सिर्फ वो कैंडल जलाने से, ट्विटर पर ट्रेंड करने से, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से वो सॉल्यूशन नहीं निकलता है। मैं एकदम नहीं कहता, मैं कंप्लीट निगेटिव नहीं हूँ कि सारे लोग खराब हैं, ऐसी सोसाइटी भी है। जैसे मुझे उन तमाम लोगों ने सपोर्ट किया फिनांशली और मोटिवेट किया मुझे, जिनको मैं नहीं जानता था, तो ऐसी सोसाइटी भी है। हमारी सोसाइटी ये भी हीरो है और विलेन भी है कुछ मायनों में। अब हीरो बनने की कैपेसिटी ज़्यादा है, आप बन सकते हैं, सुपर हीरो भी बन सकती है, सोसाइटी बन सकती है सुपर हीरो, लेकिन सोसाइटी को चाहना होगा, ये सोचने से नहीं होगा। अब वक्त है दो हीरो से मिलने का। पहला मैसेज एक ऐसे हीरो से जिन्होंने रवि से अपनी सच्ची दोस्ती निभाई, एक्टर पंकज त्रिपाठी का मैसेज रवि प्रकाश के लिए। मैं रवि भाई को पटना से जानता हूँ, पत्रकारिता के उस समय से जब वो शुरू किए थे, तो बहुत जिजीविषा वाले जुझारू व्यक्ति हैं। और ये जब खबर आई तो उन दिनों भी शुरुआत में बात हुई, पर अब इन दिनों में तो उनकी उनका जो जो मतलब कैंसर के साथ जीने का या उससे मतलब हौसला न हारने का जो उनका जिजीविषा है वो अद्भुत है। मैं आए दिनों उनके कभी कभार सोशल मीडिया पर पोस्ट देखता हूँ कि इसमें वो पत्रकारिता कर रहे हैं। मुझे याद है एक वीडियो उनका देख के बड़ी खुशी हुई थी। तो उनकी जिजीविषा बहुत लोगों को प्रेरणा देगी जो पॉडकास्ट सुनेंगे। अब ठीक है, जीवन जैसा है वैसा है, और क्या है, हम सबसे ज्यादा पहले लोग मन से हार जाते हैं। तन और मन, मन प्रसन्न रहे और ये रहे, तो रवि भाई वो एक बहुत ही उदाहरण सेट कर रहे हैं। और मुझे पूरा ये है कि जो लोग उनका पॉडकास्ट सुनेंगे, उनकी जर्नी सुनेंगे, वो बहुत प्रेरणा लेंगे और लगेगा कि हाँ कि हौसला कठिन से कठिन परिस्थिति में रखा जा सकता है। तो ये बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो कॉप अप कर रहे हैं, या कि कब उनका उनका काम देखिए, उनका मैं रिपोर्टिंग भी पढ़ता हूँ सुनता हूँ, तो देख के लगता है कि वाह क्या बात है। तो मेरी शुभकामना है रवि भाई को, और वो प्रेरणा बने बहुतों के लिए, स्वयं के लिए तो है ही, वो हम सबके लिए तो है ही, हमारे तो मित्र दोस्त हैं। अवेयरनेस लाने के लिए कई सारी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन और जरूरी है कि ये तो वही अनएक्सपेक्टेड है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन ठीक है। अवेयरनेस के लिए तो अच्छा ही, बहुत बढ़िया पहल है आप सबों का कि अवेयरनेस आए लोगों में और हौसला न हारे, ऐसे ही प्रेरणा बने औरों के लिए। देखिए पंकज जी बॉलीवुड के मेरे कुछ वैसे दोस्तों में से हैं जिन लोगों ने मेरे बीमार होते ही सबसे पहले मेरा हाल जाना, मुझे सपोर्ट किया हर तरीके से, और आज उनका ये मैसेज सुन के मैं तो एक नॉस्टैल्जिया में चला गया हूँ, मुझे पुराने दिन याद आने लगे हैं। छवि मित्तल एक एक्टर हैं, कुछ समय पहले उन्हें पता लगा था उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। उन्होंने भी एक लड़ाई लड़ी, सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्रोलिंग का सामना किया, इन सब से उभर कर वो एक वॉरियर बनकर निकले। आई थिंक सारी मुश्किल जो मैंने इस जर्नी में उठाई वो शुरुआत में ही उठाई, जब ये खबर किसी को सुनाई जाती है कि आपको कैंसर है, चाहे आप जिंदगी के किसी भी स्टेज पर क्यों ना हो उस टाइम पर, वो एक शॉकिंग न्यूज़ ही होती है। आप कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि ये चीज़ आपके साथ हो सकती है, आप हमेशा सोचते हो किसी और के साथ होगी। तो बिगिनिंग में जब मुझे पता चला था, आई थिंक वो सबसे मुश्किल फेज था। वो जो टेस्ट करवाना है, अभी मुझे बोला गया है कि शायद ये लंप कैंसरस होगा, इसका टेस्ट करवा लेना चाहिए, इसकी बायोप्सी करवा लेनी चाहिए, वो वाला फेज जो था वो सबसे ज़्यादा मुश्किल था, बिकॉज पता नहीं था है कि नहीं है। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला, कन्फर्म हुआ कि ये कैंसर है, आई थिंक आई इमिजिएटली पुट ऑन माई आर्मर एंड आई थॉट कि अब ये भी एक फैक्ट है कि कैंसर हुआ है, और ये भी एक फैक्ट है कि यू नो उसको उसके साथ लड़ना तो है ही, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, पता नहीं था कुछ भी, क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर, कितनी तरह का होता है, क्या हमेशा
ख़राब तरीके का ही होता है, क्या हमेशा स्केरी होता है, ये सब चीज़ें पता नहीं थी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने की वो ये थी, आई गॉट माई फैक्ट्स इन प्लेस। बहुत सारे कॉल्स किए मैंने डॉक्टर्स को, सर्वाइवर्स को, फ्रेंड्स को। महिलाएं स्पेशली इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर चेकअप नहीं कराती हैं, दे डोंट गेट देमसेल्व्स एग्जामिन, एंड आई एम वन ऑफ देम। मुझे जिम में वर्कआउट करते टाइम एक चेस्ट इंजरी हुई थी जिसे चेकअप कराने मैं गई थी, क्योंकि दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। दर्द नहीं होता तो शायद मैं वो भी चेक नहीं कराती, लेकिन वो इंजरी तो कुछ नहीं थी। उसे चेक करते वक्त हमें एक लंप ये डिस्कवर हुआ, जो मुझे मेरी रेडियोलॉजिस्ट ने कहा कि इसे चेक करा लेना चाहिए। सो दिस इज़ अ बिग लर्निंग, एंड इनफैक्ट इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद मैंने कुछ चेकअप नहीं किया, एंड आई वॉज़ जस्ट लकी कि जिम में वर्कआउट करते टाइम मुझे वो इंजरी हुई और मैं उसे चेक करने के लिए गई और मुझे इसके बारे में पता चला। आई थिंक मैं बहुत अपना यहाँ पर सीख कर बैठी हूँ, जो कि मेरी लाइफ के लिए बिल्कुल परफेक्टली एप्लीकेबल है। तो आप जो सीख रहे हो वो अपनी लाइफ में आप अप्लाई कीजिए, मैं जो सीख रही हूँ वो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करूँगी। दैट्स हाउ आई लुक एट इट, एंड आई डोंट फील बैड अबाउट एनी ट्रोलिंग। मैं सिर्फ जवाब इसलिए देती हूँ कि मुझे लगता है कि यही चीज़ किसी और के साथ भी हो रही होगी, तो वो लोग, उन लोगों को बुरा ना लगे, उन लोगों को पता चले कि आप अकेले नहीं हो, सबके साथ होता है। छवि मित्तल की कहानी काफी इंप्रेसिव है। मुझे लग रहा है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरी लाइफ में बहुत सारे हीरोज हैं और मेरे आसपास ऐसे हीरो हैं जो बहुत कुछ झेल के भी मुस्कुरा रहे हैं। इन सबको मेरा सलाम है, इन सबको मेरा सलाम है। ऐसे ही रियल लाइफ स्टार्स यानी सितारों के लिए कुछ पंक्तियां हैं जो पढ़कर सुनाता हूं। आसमान के सितारे, इधर उधर घूमते सितारे, हमें हौसला देते सितारे, अंधेरे में चमकते हैं ये सितारे, हमें भी सिखाते जिंदगी के अंधेरे में हम भी चमकें। ये बताते हैं कि जब अंधेरा बहुत ज्यादा हो तो सुबह भी कहीं आसपास है। ये सितारे बताते हैं कि हम अलग हैं, दूर हैं, पर अकेले नहीं। एक सितारा कभी एक जगह नहीं रहता, वो हर रात जगह बदलता है, बताता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं, हम भी जगह बदलेंगे यानी फिर लौटेंगे। ये बताते हैं कि शायद दिन की रोशनी में गायब हो जाए और रात को फिर दोबारा आएंगे, रोशनी लाने, टिमटिमाने। ये रोशनी फिर लौटेगी, कहानी रवि प्रकाश की। ये था सातवां एपिसोड मेरी जिंदगी मैं ही हीरो। अगला एपिसोड अलविदा नहीं, फिर मिलेंगे। इस सीरीज का आखिरी एपिसोड, रवि प्रकाश दिल्ली आए, मेरी और रवि प्रकाश की मुलाकात हुई पहली बार फेस टू फेस। दोनों ने किया कैचअप दिल्ली के डिफरेंट लोकेशंस पर। रवि, ये जो हम आए हैं दिल्ली हाट में, अपने डेली रूटीन से कुछ वक्त चुरा के मिल रहे हैं, इस तरह की जो इवनिंग्स और आउटिंग्स होती हैं, ये आपको डिटॉक्स करने में और अनवाइंड करने में और कैंसर को थोड़ा भूलने में कैसे मदद करती हैं? खूब मदद करती हैं। देखिए, जब भी मैं ऐसी जगहों पर जाता हूँ, चाहे वो हार्ट टू दिल्ली हार्ट जैसी जगह हो या फिर जब मैं वेकेशंस पर होता हूँ, तो जब ऐसी जगहों पर हम होते हैं तो कैंसर एक तरीके से बक्से में बंद हो जाता है, फिर यहाँ सिर्फ रवि होता है, रवि प्रकाश। कहानी जिंदगी की सीजन टू, कहानी रवि प्रकाश की, स्टोरी ऑफ एम्ब्रेसिंग लाइफ, एन इंस्पिरेशनल हैंडबुक ऑफ लाइफ, हर शुक्रवार बीबीसी हिंदी और उसके सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, साथ ही जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, गाना एप्स पर भी। इस शो की साउंड डिजाइनिंग और मिक्सिंग की अजीत सारथी ने। बीबीसी हिंदी पर हमारे साथ जुड़े रहिए इस खास सीरीज के लिए। For this week, this is Sumiranpreet Kaur signing out.